नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, जी हाँ, ये एड कुछ 15-20 साल पहले आता था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओनिडा के बारे में। ओनर्स प्राइड तो है, नेबर्स एनवी चला गया, लेकिन ये जो टीवी है 58 इंचेस का स्मार्ट एंड्रॉइड सर्टिफाइड या फिर गूगल सर्टिफाइड 4K UHD स्मार्ट टीवी, ये हम करने वाले हैं आज इसका अनबॉक्सिंग। देखेंगे इसमें फीचर्स क्या है। क्लियरली आप तो देख रहे हो गूगल असिस्टेंट है, प्ले स्टोर है, HDR है, 4K HDR सपोर्ट करता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी है विच इज एक्सलेंट, एंड क्वाड कोर प्रोसेसर। चलिए दोस्तों खोलते हैं, देखते हैं है कितना अच्छा। एंड यस, कर दिया है दोस्तों हमने अनबॉक्स। और मैं बता दूं आपको क्या क्या आता है। एक तो मल्टी फंक्शनल रिमोट, जी हाँ, इसमें एयर माउस नहीं है, साथ में आता है पीछे स्टैंड, जिधर अगर वॉल माउंट आपको करना है तो आप कर पाएंगे इसके साथ, और जो फिक्स्चर्स वगैरह होते हैं, साथ में वारंटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। वैसे दोस्तों स्टैंड जो है इसके वो भी अलग आते हैं, हमने ऑलरेडी लगा के आपका टाइम बचा दिया। दोस्तों सबसे पहले बता दूं 58 इंचेस का टीवी है ये, इसकी कॉस्ट है 54,999 इसकी कॉस्ट है। बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो 80,000 है, लेकिन आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे 55,000 में मिल जाएगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों इसमें एयर माउस नहीं आता है, लेकिन जितना मैंने इस्तेमाल किया है उस हिसाब से मैं कह दूं जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस हो, इवन वायर्ड हो, जो टीवी के पास आप रख सकते हो, दैट इज गुड इनफ, बट वायरलेस होगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं बिल्ड क्वालिटी की तरफ। अगर आप इसके जो बेजल्स हैं वो देखेंगे छोटे हैं, एक्चुअली दे आर क्वाइट स्लिम फॉर अ टीवी साइज ऑफ 58 इंचेस। बेजल्स आर स्लिम, सिल्वर कलर के, ब्रश्ड मेटल का फील है, ओवरऑल दे लुक गुड। जो पीछे केसिंग है प्लास्टिक का है, बट गुड प्लास्टिक यूज्ड, सो ओवरऑल गुड बिल्ड क्वालिटी। आप जिस भी रूम में लगाओगे या फिर जिस भी वॉल पर लगाओगे, दिखने को बहुत अच्छा दिखेगा। जो स्टैंड है, अगर स्टैंड में रखने वाले हो, स्टैंड भी है वो मेटल का है, स्टर्डी है, दिखने को बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक एंड फील ऑफ दिस ओनिडा 58 इंचेस स्मार्ट टीवी। दोस्तों अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB के पोर्ट्स, साथ में दोस्तों टीवी में दूसरे पोर्ट जो होते हैं एंटेना का पोर्ट, RJ45, इसका मतलब वाईफाई नहीं है, आपको केबल लगानी है, केबल से इंटरनेट डालना है वो भी कर सकते हो, साथ में जो मैनुअल ऑक्सिलरी पोर्ट्स आते हैं ऑडियो और वीडियो के वो भी साथ में आते हैं। दोस्तों अगर पैनल के ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 450 निट्स ब्राइटनेस है, क्वाइट ब्राइट, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें है 2.5 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज, लेकिन हमने इंस्टॉल किया है AID, जिसमें ये दिखा रहा है इंस्टॉल रैम 2 GB एंड टोटल मेमोरी जो अवेलेबल है वो है 435 MB। 16 GB स्टोरेज में से आपको कुछ 11.5 GB मिल जाता है यूज करने के लिए, विच आई थिंक इज डिसेंट इनफ। अगर CPU की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आता है MediaTek का MT5891, जिसमें है 4 कोर्स ऑफ A53। और दोस्तों इसका जो OS है वो है Android Oreo, विच इज अपग्रेडेबल, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं रिमोट के पास। रिमोट में सबसे ऊपर है वॉइस कमांड के लिए एक बटन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। बाकी आपको डेडिकेटेड YouTube का एक बटन मिलेगा, गूगल प्ले का मिलेगा, ओवरऑल दिस रिमोट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। और दोस्तों ये जो रिमोट है वो कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के साथ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये गूगल सर्टिफाइड है, इसका मतलब गूगल असिस्टेंट जो है वो इसमें इनबिल्ट आता है, बहुत ही सिंपल होता है, जैसे प्ले अ YouTube वीडियो। श्योर, प्लेइंग रेकमेंडेड YouTube वीडियोस। We've got some really good ones. That was passing off with something very cute and colour. दोस्तों मैं बहुत देर तक पिछले 2-3 घंटे से सब फीचर्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था। वन थिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस टीवी, इट इज वेरी रिस्पॉन्सिव। हमारे पास बहुत सारे टीवी आते हैं, बहुत सारे टीवी टेस्ट करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिवनेस है इस टीवी का, जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, कोई भी वॉइस कमांड देते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, इट इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट। ऑडियो की बात करते हैं दोस्तों, इसके जो स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं नीचे की तरफ, एंड दे आर डॉल्बी सराउंड साउंड, वेरी गुड साउंड, लाउड भी है, क्लियर भी है, मुझे अच्छे लगे। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, इसका मतलब आप ऑडियो जो है, ऑडियो ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ऑडियो ईयरफोन्स वो लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, किसी को सुनाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ही सुनाई देगा। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अब हम प्ले कर रहे हैं YouTube पे 4K वीडियो, एंड ये 4K सेटिंग्स पे ही है, आप देख सकते हैं ओवरऑल जो कलर्स वगैरह है क्वाइट पंची है, आपको पिक्सलेशन दिखेगा नहीं क्योंकि 4K है,
अब आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो भी अच्छा होना चाहिए. अगर ब्लैक्स की बात करते हैं, दोज आर ऑल्सो क्वाइट गुड. आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट कलर्स, स्पेशली सैचुरेटेड कलर्स, क्योंकि उनमें एक टेक्नोलॉजी है, पाई टेक्नोलॉजी, पिक्सेल इल्यूमिनेटिंग इंजन, जिसकी वजह से जो कलर्स है वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी, ज़्यादा पंची दिखते हैं. ओवरऑल दोस्तों स्मार्ट टीवी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है, सिंपल है. ऊपर ऐप्स हैं, नीचे यूट्यूब है, आपके अगर प्ले मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन होंगे तो आपको दिखेंगे रिकमेंडेड फीचर्ड एंड यूट्यूब के रिकमेंडेड. वेरी वेरी सिंपल. लेकिन अगर आपका केबल कनेक्शन है तो लाइव टीवी पे जाइए और वो चालू हो जाएगा. वन मोर एडवांटेज दोस्तों इस टीवी का है, क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, तो आपको जो क्रोमकास्ट डिवाइस आता है वो लेने की जरूरत नहीं है. कुछ भी आप आपके फोन के ऊपर से कास्ट कर पाओगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर. ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है ये जो टीवी है वेरी डिसेंट, स्पेशली फॉर द प्राइस. 55,000 प्राइस है, 4K HDR टीवी है, गूगल असिस्टेंट आता है, स्मार्ट टीवी है, जी हाँ क्रोमकास्ट भी सपोर्ट करता है. तो ओवरऑल इट्स अ ऑलराउंड पैकेज फ्रॉम अ कंपनी विच इज 20-25 ईयर्स ओल्ड. तो ओनिडा एक अच्छी कंपनी है और अच्छा टीवी है और अच्छी प्राइस भी. और दोस्तों अगर आपने ये खरीदा तो इसमें एक साल की वारंटी भी आती है, साथ में खरीदने के बाद 48 आवर इंस्टॉलेशन भी प्रॉमिस करता है ओनिडा. वैसे दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक